Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So recently I was in Manali for almost 2 months, and when in Manali, one thing that you must do is cafe hopping. And so I explored a lot of cafes, had different cuisines, and in this video I'm going to share some of the best cafes that I visited and what I liked or disliked about them. So hope you find it helpful and let's get started. First we have Cafe 1947, which lies on the way to the famous Solang Valley and Atal Tunnel, and is one of my favorite cafes for the super scenic views and the gurgling sound of the river, which you can enjoy along with the amazing food that they serve. Since I've come to Manali, मैं पिज़्ज़ा इतने टाइम से क्रेव कर रही हूँ, एंड ये जगह एक्चुअली अपने इटालियन के लिए फेमस है, एंड ये टेस्ट करने के बाद आई कैन टोटली सी वाई. The best time to visit this cafe would be on a weekend when you can also catch live session by amazingly talented musicians such as Papa Shiv and Sunit Rawat. Well, I'm really glad I came to this cafe before leaving Manali, because it's definitely one cafe that you must visit. It has the cozy vibe, it has outdoor seating, the food is great, I think that's the best part. And also it's a very date-worthy location if you're looking for something like that. Even the view is great, I can see mountains, snow-capped mountains, sunsets happening. Here we go, making moves, ready or not. Well, this cafe turns into a magical winter wonderland at the time of snowfall. So if you're in Manali during winters, do not miss visiting Johnson's Cafe. Oh, I can see the picture. Well, this was undeniably the most loved and the most visited cafe by us for the super hospitable and friendly hosts, the overall comfort, and not to forget the amazing view of the mountains that you can enjoy with your food. Pack my bags, get my goals. Just when I was losing hope, I saw you standing there on the street. This also happens to be a very work-friendly cafe. So if you're looking for a place where you can carry your laptop, sit all day long, and also meet like-minded people, this cafe in Old Manali should be a perfect pick. So, किसी की रिकमेंडेशन पे हम पहुंच गए हैं इस इटालियन रेस्टोरेंट कॉल इल फोर्नो, जो कि हिडिंबा देवी टेंपल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सो लेट्स गो एंड ट्राई आउट द फूड ओवर हियर. आई ऑलरेडी लव द फैक्ट कि ये काफ़ी सेक्लूडेड सी जगह पे है, एंड दे हैव एन ऑप्शन ऑफ बोथ आउटडोर एंड इनडोर सीटिंग, एंड ऑल्सो दैट मिलियन डॉलर व्यू. सो यहाँ पे अपने ही ऑर्चर्ड के ग्रोन प्लम एंड एप्पल जूस भी मिलते हैं, विच वॉज हाईली रिकमेंडेड. सो वी आर ट्राइंग दैट. काफ़ी फ्रेश. एंड हियर इज द इल फोर्नो वेज स्पेशल पिज्ज़ा. क्रस्ट बहुत ही अच्छा है. दे ओनली सर्व इटालियन एंड दे क्लियरली जस्टिफाई डूइंग सो.
एट रेनेसां कैफे इन ओल्ड मनाली. काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया था कैफे स्पेशली फॉर द पिज्जाज. सो मेरे साथ हैं विजय भैया एंड वो बताएंगे कि यहाँ पे पिज्जाज में से क्या खास बात होती है, की स्पेशलिटी क्या है. सबसे ज़्यादा लोगों को जो चीज़ पसंद आती है वो पिज्ज़ा है. ओके तो पिज्ज़ा में भी हमारे बॉस हमारी काफ़ी सारी अलग खासियत है. जैसे मल्टीग्रेन पिज्ज़ा बनाते हैं और जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो काऊ मिल्क से बनता है. और कुछ लोग जैसे वीगनिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं तो वीगन चीज़ बनाते हैं वो तो हम खुद बनाते हैं, अपने खुद ही अपने यहाँ पे होम में बनाते हैं. जैन फूड रखा है, जैन फूड भी कुछ लोग जैन के लिए आते हैं तो उसके लिए. अब इतना सुन लिया है तो काफ़ी भूख लग रही है, ट्राई करते हैं यहाँ के पिज्जाज. जी सर. जिंजर एल होम मेड यहाँ की खास कैसे है? वेरी नाइस है, वेरी नाइस, यू शुड ट्राई इट. आई डिडंट नो जिंजर अच्छी लग सकती है ड्रिंक में. तो जिशान ने यहाँ बैठे बैठे अटेंड कर लिए अपनी 3 जूम मीटिंग्स. कैसा लग रहा है वर्क फ्रॉम लाइक मंडे, इट्स मंडे टुडे, कैसा लग रहा है मंडे ऑन माउंटेन? नहीं हो रहा है मंडे, लग रहा है अभी भी हॉलीडे चल रहा है, वेकेशन चल रहा है. इट्स एवरीथिंग दैट आई एनविजन व्हेन आई वाज कमिंग टू द माउंटेन्स. कैफे से बिल्कुल ऑपोजिट अभी हम आ गए हैं राज फूड कॉर्नर एंड यहाँ के थेंथुक के बारे में हमने बहुत सुना है. इट्स ओरिजिनली अ टिबेटन डिश. थेन मीन्स पुल एंड थुक मीन्स नूडल्स. सो इट्स लिटरली लाइक पुल नूडल्स एंड इट्स वेरी सिमिलर टू थुक्पा. ऑनेस्टली इससे पहले मैंने अभी तक अच्छा थुक्पा कहीं नहीं खाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट दिस इज वेरी गुड. इट हैज़ जस्ट द स्पाइसेस जो होने चाहिए. इट्स नॉट वेरी वॉटरी, इट्स नॉट वेरी थिक ऑल्सो. आई थिंक इट्स वेरी गुड स्पेशली फॉर विंटर्स. अगर विंटर्स में आप यहाँ पे हो तो डू ट्राई दिस एट राज फूड कॉर्नर. एंड योर नरेन्स हैविंग चिकन थेंथुक, सो हाउ इज दैट? आई एम हैविंग इट फॉर द सेकंड टाइम इन दिस वन वीक, सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड इट इज. वेल दिस वीडियो विल बी ट्रूली इनकम्प्लीट विदाउट ट्राइंग वन ऑफ द लोकल डिशेज ओवर हियर. तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड, वहाँ पे एक टी स्टॉल है फौजी नाम करके, जहाँ के सिद्धू के बारे में हमने बहुत सुना है जो कि एक ट्रेडिशनल डिश है यहाँ की. बाकी बातें हम वहाँ पहुँच के करते हैं, लेट्स ट्राई हाउ इट इज़. सो मॉल रोड में बस स्टैंड और एक टेम्पल है, सो बीच का जो रास्ता है दैट लेड अस टू दिस टी स्टॉल कॉल्ड फौजी टी स्टॉल. एंड यहाँ की एक लोकल डिश है कॉल्ड सिद्धू, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है कि यहाँ पे वो बहुत अच्छा मिलता है. एंड जब मैं 2 साल पहले मनाली आई थी तब आई हैड इट, इट वाज सो गुड एंड आई कांट वेट टू हैव इट अगेन. सो टिपिकली सिद्धू में जो अंदर फिलिंग होती है वो वॉलनट्स, चिलीज, कोई भी ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी हो सकता है. इसमें है सोया और पीनट्स. एंड ये डिश विंटर्स में स्पेसिफिकली बहुत पसंद की जाती है बिकॉज इट हेल्प्स टू बूस्ट एनर्जी एंड ऑल्सो मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. सो ट्राई करते हैं अभी कैसा है. फील्स लाइक कम्फर्ट फूड. बेस्ट पार्ट है कि जो आउटर कवरिंग है वो भी आटे की है, सो इट्स डेफिनेटली हेल्दी. अभी तक जो हमने कैफेज कवर किया है मोस्टली दे हैव ग्रेट व्यूज, माउंटेन्स, रिवर्स एंड ऑल, बट काफ़ी ठंड हो गई है. इट्स द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड ऑब्वियसली इट कॉल्स फॉर अ कोजी प्लेस. सो वी आर एट ड्रिफ्टर्स कैफे. यहाँ पा सकते हो आराम से, यू कैन हैव कॉफी, यू कैन रीड अ बुक, प्ले गेम एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट सम गुड कंपनी इवन आउटसाइड द कैफे. Oh, and how could we end this video without recommending a place to satisfy the sweet cravings that you'll have after having all the amazing food? हम वॉक करते करते अभी आ गए हैं कैफे अमीगोस एंड यहाँ के डेजर्ट्स के बारे में हमने काफी सुना है. जीशान ऑल्सो रेकमेंडेड अस दिस प्लेस, सो डिड ज़ोमैटो. ज़्यादा पसंद आया कि वी हैव ऑर्डर्ड अनदर वन. एंड अगर आप मॉल रोड के आसपास हैं, डिजर्ट की क्रेविंग होती है, नहीं भी होती है, यू मस्ट विजिट दिस बेकरी.
On that sweet note, let's end this video. Do let me know your favorite cafes in Manali in the comment section below. Give it a thumbs up if you found it helpful. Share it with your friends who are planning to visit Manali. And I'll see you soon in the next one. Bye. So अगर आपने इसकी एक प्लेट खा ली तो दिन में डेफिनेटली कोई मिल तो मिल मिल कौन होगा? Few minutes later, few hours later, few decades later. शान का लाश पड़ा है यहाँ पे लैपटॉप लेके. Delete. क्या फूटी थी एंड में? फ्लो टूट गया सच में फ्लो टूट. So after थे क्या था? We were just